Oh, oh. नमस्कार जय साई राम मैं ब्रिजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर साई ग्रंथ राइटर रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं कंजक पूजन में यानी कन्या पूजन में यदि आप इस वीडियो में बताई गई वस्तु बांट देते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न हो जाती है निर्भर करता है कि जो कंजक यानी जो कन्याएं हमारे निवास पर आई हैं वो कितनी प्रसन्न होकर गई हैं माँ का स्वरूप है माँ की वाइब्रेशन लेकर आई हैं, माँ की शक्तियाँ लेकर आई हैं और एक तरह से साक्षात जगदम्बे माँ अम्बे ही हमारे निवास पर आई है परंतु यदि वह प्रसन्न नहीं जाती हैं बुझे मन से जाती हैं उनका दिल खुश नहीं हुआ है तो हमारी भी पाठ पूजा का स्तर हमारी भी पाठ पूजा से प्राप्त वाइब्रेशन का स्तर हमारी भी शक्तियों का स्तर नीचे हो जाता है परंतु यदि वह बहुत प्रसन्न होकर गई हैं यदि वह खुश होकर गई हैं तो जो माँ से हमें शक्तियाँ प्राप्त होनी है जो माँ से हमें आशीष प्राप्त होने हैं वह पूर्णतया प्राप्त हो जाते हैं छोटी छोटी कन्याएं आपके निवास पर आई हैं छोटी छोटी कन्याओं का आप पूजन कर रहे हैं छोटी छोटी कन्याओं को आप उपहार देकर भेज रहे हैं परंतु जरूरी है यह भी जान लें कि वह प्रसन्न हुई हैं या नहीं क्योंकि उनकी प्रसन्नता के पीछे छुपा है आपकी कामनाओं की पूर्ति का राज यदि वह प्रसन्न नहीं होती हैं तो आपकी कामना पूर्ति नहीं होगी परंतु यदि वह प्रसन्न हो जाती हैं तो आपकी कामना पूर्ति जरूर होगी हर हाल में होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से जल्दी 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 होगी माँ आपके निवास पर आती है अपने चरण लेकर इन कन्याओं के रूप में माँ आपके निवास पर आती हैं इन कन्याओं के रूप में शक्ति देने इन्हें किसी भी स्वरूप में फटकारिएगा मत कोई गलती हो जाए कन्याओं से कोई चीज तोड़ दें तो फटकारना नहीं है गुस्सा नहीं करना है क्योंकि वह कन्या नहीं है माँ है माँ जिस अम्बे जिस जगदम्बे का पाठ पूजा आप नौ दिन से कर रहे हैं जिनका आपने उपवास किया है अब उन्हीं का स्वरूप आपके निवास में बैठा है तो आपको चाहिए कि पूर्ण प्रेम से पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका आदर सत्कार करते हुए आप पाठ पूजा करें और कंजक पूजन करें कंजक यानि कन्याओं के पांव धोएं उनको लाल धागा बांधें उनको तिलक करें उनका आशीर्वाद लें फिर उन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं और फिर उपहार स्वरूप जो भी आप लाए हैं देकर प्रसन्न चित्त अपने निवास से रवाना करें परंतु तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कन्याएं प्रसन्न कैसे होती हैं लौकड़े भी आते हैं कन्याएं भी आती हैं होते तो ये बच्चे ही हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम यदि उनको वह वस्तु दें जो उन्हें पसंद है जिसे देखकर वे वह प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ भी प्रसन्न हो जाती है अब यदि आपके निवास पर कंजक आई है और आप उसे बर्तन दे रहे हैं तो वो बच्चे उस बर्तन का क्या करेंगे उल्टा आपको पाप भी लग सकता है क्योंकि कहीं घर जाकर उन बर्तनों में नॉनवेज खाया गया तो उसका पाप आपको लग सकता है इसलिए छोटी छोटी कन्याओं को यदि आप कुछ ऐसा समान देते हैं जो उनके काम का नहीं है तो वह प्रसन्न नहीं होती हैं वह प्रसन्न तभी होती हैं जब उनके मनपसंद का सामान होता है यानी उपहार स्वरूप आप यदि खिलौने देते हैं पर्स देते हैं तो कन्याएं बहुत प्रसन्न होती हैं यानी हमें उपहार स्वरूप कन्याओं को खिलौने देने चाहिए पर्स देने चाहिए उनके इस्तेमाल का सामान देना चाहिए सबसे बेहतर खिलौने होते हैं बर्तन किसी भी अवस्था में मत दीजिए कपड़े दे सकते हैं वस्त्र दिए खिलौने दिए तो माँ प्रसन्न होती है कन्याएं भी प्रसन्न होती हैं एक बात को अपने दिल में बिठा लीजिए कि हमने जो उपवास किया हमने जो खेतरी की जो हम इतना लंबा समय माँ के स्वरूप की पूजा करते रहे वही स्वरूप इन बच्चों के रूप में कन्याओं के रूप में आता है हमारे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रों में माँ कन्याओं के रूप में धरती पर खेलती हैं हमारी माँ धरती पर जब नवरात्रे होते हैं तो कन्याओं के रूप में इधर उधर खेलती हैं अपना खेल खेलती हैं अपनी शक्तियाँ बिखेरती हैं अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन बिखेरती हैं यदि आप चाहते हैं कि आपको वह शक्तियाँ मिलें यदि आप चाहते हैं वह वाइब्रेशन मिले, तो जब आप कंजक पूजन कर रहे हैं तो कन्याओं का पूर्ण रूप से आदर सत्कार करें मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंजक पूजन में सामान तो दे देते हैं पर उनको खिलाते कुछ नहीं हैं जवाब यही मिलता है कि सभी कंजक इतना खा चुकी होते हैं कि उनका पेट भरा हुआ है तो उनकी मनपसंद का कुछ खिलाइए गर्मी के दिन होते हैं कंजक जो होती है गर्मी में आती हैं आपके पास तो आप उनको कोल्ड ड्रिंक भी पिला सकते हैं जूस भी पिला सकते हैं बच्चे बहुत खुश होकर पीते हैं क्योंकि इधर उधर भाग रहे होते हैं तो खुश होकर पीते हैं ज़रूरी है आपने माँ का स्वरूप अपने निवास पर बुलाया और उन्हें कुछ खिलाया भी नहीं उन्हें कुछ पिलाया भी नहीं मात्र दे देने से आदर सत्कार थोड़े होता है आपके घर में मेहमान आए तो क्या आप सगुन देकर उसको विदा कर देंगे नहीं आप उसको बिठाएंगे खिलाएंगे, पिलाएंगे, फिर उसको विदा करेंगे ऐसे ही कन्याओं को बिठाना चाहिए पहले उनको बोलिए कि वो माँ का गुणगान करें जयकारे लगाएं, फिर उनको बोलिए कि अब कुछ खा पी लें फिर उनको कुछ खिलाइए पिलाइए और फिर उपहार जो आप लाए हैं देकर नतमस्तक होकर झुक जाइए और उनसे आशीष लीजिए और फिर उनको विदा कीजिए यदि आप इस प्रकार से कंजक पूजन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी शक्तियाँ आपको मिली हैं क्योंकि असली तरीका यही है जो देवी भागवत में लिखा है यानी मत भागवत देवी भागवत यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें यही तरीका लिखा है और इस तरीके से ही आपको शक्तियाँ मिलती हैं किसी भी सूरत में कंजक यानी कन्या के साथ जो कि आपके निवास पर आई है गुस्सा मत करें किसी भी सूरत में क्योंकि यदि आप गुस्सा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सीधा सीधा अपनी माँ के साथ गुस्सा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कंजक पूजन करना है और कन्याओं को क्या उपहार देना है अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें उनको भी लाभ मिले और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपने जन्मपत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए जन्मपत्री देखने की हमारी फीस होती है आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं लेकिन लाभ नहीं मिला है कारण क्या है कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं जब योग एक्टिवेट ना हो कमज़ोर हो तो ग्रह काम नहीं करते हैं और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं नहीं मिलेगा कब तक जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता एक्टिवेट नहीं किया जाता तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए व्हाट्सएप का जवाब चार या पांच दिन में मिलता है फोन मत कीजिए फोन यहां कोई नहीं उठाता है तो अब मैं इजाजत चाहूंगा नमस्कार खुश रहिए